भाई अभी ना ये ऑब्जर्वेटरी भी बहुत दूर लग रही है मुझे, मतलब मन नहीं कर रहा जाने का, बट जाएंगे यार, लास्ट टाइम भी छोड़ गई थी हमसे। ओके ओमिला का हो जाए तो भी ठीक है, चलो हो देंगे। बाकी स्नोफॉल अभी भी हल्की हो रही है। कैसा लग रहा है भाई, क्या अभी पंखा लग जाए घर पर जा सीधा? अब थकावट हो चुकी है, अब हालत खराब है, ठीक है चलो लाइफ में अचीवमेंट दी, उमलिंगला कर लिया जब फिर नया जुनून जागेगा, बिल्कुल फिर डिफेंडर ये तो हर साल जागता है। बट भाई इतना पता है कि उमलिंगला से ऊपर कोई भी मोटरेबल रोड बनेगी तो भाई साहब गाड़ी से आएंगे, हाँ बाइक से जाएंगे, बाइक से नहीं। बाकी भाई से मैंने पेट्रोल ले लिया क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा था, तो अपन गाड़ी में डालेंगे, हमारा काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच भाई, पेट्रोल ने कल हमें बड़ा डिस्टर्ब किया एंड फ्रस्ट्रेटेड किया, नहीं हम ले जाएंगे, इस डिस्टर्ब देखेंगे, हम देखेंगे कितना डिस्टर्ब करेगा। हां ले लेंगे, पहले इसको डाल देते हैं। जरा जा रहे हां बिल्कुल जा रहा है, चल बोर्ड टाइम में जगह देता हूं, कहां है आंख में लगत हो रहा है भाई, जा रहे पेट्रोल यार। तो भाई फिलहाल जो गाड़ी के अंदर रेंज आ गई वो आ गई 410, ऑलमोस्ट 30 लीटर तेल डला इस गाड़ी के अंदर, एंड अभी भी ये फुल नहीं हुई है, तो 400 किलोमीटर की रेंज आ गई, 40 किलोमीटर अपने ऊपर है अभी, एक बार चल रहे ऑब्जर्वेटरी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। भाई फिलहाल हम हैं हालने में, एंड हमें आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी देखने, और वहां से फिर हमारा टूर रहेगा सीधा घर, शायद में भी, क्योंकि देखो प्लान तो हो रखा है अपना ये सोमरेरी जब जाते, और आशु की थोड़ी सी तबीयत ना बिल्कुल डाउन हो रखी है, ऑक्सीजन के सिलेंडर दो लिए थे, दोनों खत्म कर दी खा के से, बट फिर भी यार वो है कि सोमरेरी कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे, पहले देख लिया हमने सोमरेरी। इनकेस अगर अभी जाके कॉल करेंगे, अगर हमें वहां से सरचू से निकलने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, रास्ता ओपन है नहीं है वो पहले देखते हैं, अगर वो ओपन रहेगा तो ही हम आगे जा पाएंगे, वरना हमें वहां रात को स्टे करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं अगर वहां पे स्टे करना है उससे अच्छा हम सोमरी स्टे कर लेंगे, वो तो चलो जब जाएंगे जब पता चलेगा, जब नेटवर्क में आएंगे, अभी नेटवर्क है नहीं यहाँ पे, बीएसएनएल के नेटवर्क है, वाईफाई चल रहा है, सिर्फ मैसेज आते हैं जाते नहीं है, जाते हैं तो एक घंटे में एक मैसेज आएगा, तुम लगा लो क्या स्पीड है नेट के यहाँ पे। बाकी भाई टैनिंग हो चुके, अभी तुम पता नहीं कैसा काले वाले हो चुके हैं बुरी तरह से, हाल सही में अब हो गई है हालत कड़की, याद आने लगी फिर घर की। इस बार भाई इधर भी कुछ नए टेलीस्कोप लगा दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इनके पास से जाएंगे तब देखेंगे इनको कैसे क्या सीन है इनका। लो हम इसके अंदर आ गए, कुछ भी ना आया, ऊपर और जाएंगे और ऊपर जाएंगे भाई, बहुत अंधेरा है इसमें तो अंदर तो ढक रखा है, तो इसमें क्या पता डर लगा गिरना जा। तो भाई ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यहाँ से इस टेलीस्कोप से फोटो ली हुई है, इसके अलावा ये क्या है, रिंग नेबुला, ये क्या है, क्रैब नेबुला, वो यू कहा भाई, वैक्यूम कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, रात में स्काई सच में ऐसे दिखता है यहाँ पे भाई, अगर आप आ रहे हो ना हाल पर, मौसम साफ होना चाहिए, क्लीन भैया, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर रिमोट, बेंगलुरु हो कंप्यूटर एट बेंगलुरु कंट्रोल रूम हानले, तो हो हानले से वहाँ जाता, वहाँ से बेंगलुरु जाता है यूएस सिस्टम। बाकी भाई रात में आते तो शायद देखने को मिलता सर बचा के, और रात में कभी देखेंगे फ्यूचर में कभी, अब तो रुकने का प्लान नहीं है क्योंकि ऊपर से मौसम भी साफ नहीं है यहाँ पे। ये लोग बोल रहे रात में यहाँ से दिखाते कुछ नहीं है, आपको ना गांव के अंदर से टेलीस्कोप मिल जाएगा जो इन्होंने रख रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, बाकी अपना खुद का भी लेके आ सकते हो, स्टार गेजिंग करने तो आपको कैमरा चाहिएगा बढ़िया। अब ये बोल रहे हैं कि मौसम अभी कुछ नहीं पता, तो इसलिए इन्होंने पैक कर रखा है इसको, जो कपड़ा रख रखा था गर्म मौसम की वजह से, मौसम खराब था तो उन्होंने बंद कर रखा है, मौसम जब सही हो जाएगा साफ हो जाएगा जब खुल जाएगा, ये मौसम खुलना नहीं बोलते इसको, ये तो बादल आ रहे हैं, और कह रहा जब वो खुल जाएगा तब होती है, बट जो फोटो खींच रखे थे बहुत प्यार खींच रखे थे भाई, रियल आंखों से देखने में ज़्यादा मजा आता है कंपेयर टू फोटोज में भैया। तो भाई फिलहाल यहाँ से निकल लिए एंड अभी हम जा रहे हैं वापस, अब देखो कहाँ तक जाते कहाँ तक नहीं, वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता लगेगा। बाकी जो नीचे लगे हुए हैं वो क्या होता है, गामा रेडिएशन हाँ गामा रेडिएशन वाली टेलीस्कोप थे वो, ये अलग थे, और इनको जो कंट्रोल करते हैं वो बेंगलोर से ही करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते हैं, जो आपको दिखा रखा था सैटेलाइट के थ्रू, हाँ वो नहीं आते, वो तो यहाँ पे बस वो है, वो इंजीनियर छोड़ रखे हैं, वो अपना चेक करते रहते, कुछ दिक्कत आती है बता देते हैं। बाकी अभी ढक रखा है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता, वो कह रहे थे मौसम साफ जब होता है कब है, सेप्टेम्बर में भाई। हमें एक तो बड़ी और छोटी छोटी सी है, पर छोटी का साइज भी गार्डियन तो बहुत बड़ा है, बढ़िया जगह है भाई।
तो भाई फिलहाल हम न्यू में रुके थे, यहाँ नेटवर्क थे तो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। आज व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा क्या बहुत लेट हो गया, टाइम हो चुका है 3:30। एंड यहाँ से अभी हम सरचू जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी सरचू से आगे जाने देंगे नहीं जाने देंगे वो भी देखते हैं। दिल्ली यहाँ से है भाई 1535 किलोमीटर। हाँ जी 1535 किलोमीटर दिल्ली है यहाँ से। और हम अपना वापस उपसी नहीं जा रहे हैं, हम सीधे यहाँ से जाएंगे सोकर होते हुए, सोकर से सीधा पांग वाला रास्ता पकड़ेंगे एंड फिर सीधा सरचू। और मे भी शायद हमें सरचू में स्टे करना पड़ता है, जो कि आपने आज तक नहीं किया, बट कोई नहीं आज करके कर लेंगे शायद, मे भी कर लेंगे। अगर नहीं जाना तो फिर स्टे करेंगे। तो भाई फिलहाल अभी हमने पकड़ लिया है सोकर और सोमरेरी वाला रास्ता। यही रास्ता सोमरेरी जाता है, यही रास्ता सोकर जाता है। सोकर होके हुए सीधा ये मिलता है पांग वाले रास्ते में, ले मनाली हाईवे में। अब अगर हम वापस उपसी जाते तो हमारे लिए बहुत लंबा रूट पड़ता, तो हमें ये शॉर्टकट है। अगर आप हालने से आ रहे हो तो सीधा ये वाला रास्ता पकड़ो। अगर आपको मनाली जाना है तो ये रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी बचाता है और किलोमीटर भी बच जाते हैं। पता नहीं रास्ता लास्ट टाइम तो टूटा हुआ था। तो भाई फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, कोई सा विलेज है, यहाँ बनता है टी पॉइंट, लेफ्ट में जाएंगे सोमरेरी और राइट में हम चले जाएंगे सोकर की तरफ, जहां से हम ले मनाली हाईवे टच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो रास्ता अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया रास्ता था, जेन्युइन। यहाँ से आगे ये सोमरेरी का रास्ता, ये लिखा ना ऊपर सोमरेरी, तो यहाँ से लेफ्ट में सोमरेरी कट जाता है, ये राइट में चले जाएगा सोकर की तरफ। भाई पूरा रास्ता है पूरा, भाई पूरा रास्ता ऑफ रोड है ये पूरा वैसे। और भाई ये रास्ता आ गया है सोकर वाला, ये तो है ही खराब, देख लेते हैं कितना खराब है। तो भाई रास्ता तो देखो खराब था, बट फिर भी ये था, मतलब इससे थोड़ा सा और ज्यादा खराब मान लो, ऐसा रास्ता था। बाकी हमने 1.5 घंटे में न्योमा से लेके और हम सोकर पहुंचने वाले हैं, 1.5 घंटे में हमने कवर कर लिया। तुम लगा लो क्या बढ़िया स्पीड मेंटेन करेगा तुम्हारे भाई ने, ठीक है ना। और बाकी अभी देखो सामने सोकर लेक आएगी, ऐसे यहाँ से राइट होंगे, देखो ये सोकर है, ये सोकर है। ने पकड़ लिया है लेह मनाली हाईवे। एंड भाई वो रास्ता ठीक था, खराब भी नहीं बताऊंगा, 50-50 था, 50 ठीक भी था, 50 खराब भी था। बाकी अभी पांग रह गए यहाँ से 40 किलोमीटर। एंड पांग तो सीधा रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट है, पांग तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पांग के बाद आएगा वो खराब रास्ता जो कि नकीला पास आएगा, नकीला पास से आगे कहाँ तक है वो खराब, वो खराब है अपना गाटा लूप तक, उसके बाद फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बस वो। तो भाई यहाँ से होता है अपना एडवेंचर असली स्टार्ट। ये 40-50 किलोमीटर का पैच है, 50-60 के आसपास का है भाई। ये खाता है हमारे पूरे, मतलब पूरे लिए सबसे ज्यादा गंदी चीज ये है। इधर रोए थे हम भी, रोए आते वक्त भी, रोए रहे जाते वक्त भी रोएंगे भाई, क्या हाल हो रखा है रोड का, तुम देख रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी पीछे गोटे गोटे जितने खट्टे। कल हम पहुंच चुके सरचू, देखो ट्रैफिक जाम कितना लग रहा है, देखो जान देते हैं जान। तो भाई फिलहाल हम यहाँ सरचू से तो निकल गए हैं एंड यहाँ पे एंट्री करवा दी हमने, और वो कह रहे हैं कि अभी 12 लाख चला पे ट्रैफिक जाम लग रखा है। बट अभी देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ सोएंगे या फिर क्या करेंगे। अभी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी, अब कैंप भी देख लेंगे आगे जाके कि कैंप का क्या सीन है, कहीं कैंप में रुक जाएंगे, फिर ऐसा कर लेंगे हम। पेट्रोल डाल लिया है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर जो रेंज आ गई है वो आ गई 371 किलोमीटर। अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से सीधा मनाली, कोशिश कर रहे हैं मनाली जान देंगे जाने। ये वाला चेक पॉइंट तो क्रॉस कर लिया, इन्होंने बोला देखो तुम्हें जाना चाहे जा सकते हो तो चले जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और चलो कह रहे थे ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक गया था तो वो अटक गया है। अगर जाम लग भी रहा होगा तो यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे, अगर नहीं लग रहा होगा तो सीधे निकल जाएंगे फिर। चलो भाई देखते कैसे क्या सीन रहता है जल्दी। फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 9 बज लिए, यहाँ से हमें ना करते करते भी 1 बज जाएगा हमें शिशु पहुंचते पहुंचते। फिलहाल हम चढ़ रहे हैं 12 लाचला की चढ़ाई एंड अभी तो ऐसा नॉर्मल है सब कुछ, थोड़ी बहुत ब्लैक आइस है रोड पे क्योंकि जो पानी आ रहा है ना वो जम रहा है। भाई तुम बर्फ देख रहे हो दोनों साइड कितनी कितनी बर्फ है, बीच बीच में ट्रक वाले भी खड़े हैं, बट पता नहीं क्यों खड़े हैं, इनका खराब हो गया है या फिर इनको अनुमति नहीं है जाने के आगे, भगवान जाने। बट निकलने का तो जगह है कि बस इतनी बहुत हमें। तो भाई आज चांद देख रहे हो तुम कितना ज्यादा क्लियर निकल रहा है चांद, और चांद बड़ा भी लग रहा है यहाँ से वैसे भी, बट सही है चांद की रोशनी में हमें पहाड़ भी दिख रही है और चमक भी रहे हैं पहाड़, पता चल रहा है कौन सा पहाड़ कितनी दूर है, वरना गुप्पन देर में थोड़ा सा और डर लगता है। बाकी फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 9:30, ऑलमोस्ट हमने आधी चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, 12 लाचला गया। वो यार रात में 12 लाचला क्रॉस करना ना एक रिस्क का ही काम है, बट यार फिर वो होता ना कि कल वो ट्रैफिक शाम को ही छोड़ दे, तो इस वजह से मैं भाई निकल रहे हैं तो निकल जाने दो, तो हम तो इसलिए मार गियर निकल आए। जैसे अभी ट्रक आ गए, एक बार गाड़ी टच भी हो गई मेरी और हल्का सा जो साइड बॉक्स है वो टच हुआ था,
देखता हूँ उसमें कितना नुकसान है, पहले यहाँ से निकल जाऊँ बारह लाचला से, बाकी देखते हैं नीचे उतर के। अब पहले तो उस दिन एक गाड़ी निकलने की जगह नहीं थी, अब तो यहाँ से आराम से दो गाड़ियाँ ईजिली निकल सकती हैं। एक दो दिन बाद तो दोनों साइड का ट्रैफिक खोल देंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद तो खोल ही देंगे। अभी हमने दारचर चेक पॉइंट क्रॉस किया है भाई, पूछा उन्होंने कहाँ से आ रहे हो, मगर जी सरचू से आ रहे हैं, तो एंट्री करी और कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा भाई अभी हम जा रहे हैं इको कैंप स्टे में, मैंने वहाँ पे खाना के लिए ऑर्डर दे दिया है, तो मगर क्योंकि जब तक हम पहुँचेंगे ना तो भाई कहीं खाना मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया, मगर भाई घंटे पहुँच रहे खाना रेडी करो, कह रहा ठीक है डन है। बाकी एक बंदे से और मिलवाते आपको, वो भी मनाली आ रखा है, अगर देखते बड़ा आदमी वैसे मिलेगा तो मिल लेंगे ना, कोई बात ना, रईस आदमी तो घड़े ही है भाई। एक तो भाई मैं फ़ोन लाइट बंद कर दिया हमारे, अब ठीक है बात करनी थमते हैं। कौन में इसके कौन में दर्द हो रहा भाई, अब जाके इसको थोड़ी सांस में सांस आई है, वरना तो इसकी तबीयत थोड़ी डाउन सी थी पूरे रास्ते ही। और इसके अलावा भाई सोमोरीरी मिस हो गई इस बार, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम फिर देख लेंगे सोमोरीरी को, क्योंकि भाई इनकी तबीयत ज्यादा डाउन थी और इनकी मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बहुत अच्छा डिसीजन लिया सोमोरीरी छोड़ के, हां इनकी वजह से मैंने सोमोरीरी छोड़ा, सही बताऊं तुम्हें, वरना मेरा तो फुल मन था सोमरी जाने का, फिर मैंने चल ठीक है यार इनका मन नहीं है, और जबरदस्ती ले जाऊंगा तो ये बीमार पड़ेंगे, फिर को वहां से लेके भगना पड़ेगा, तो मैं चलो रहने देते हैं। अभी चलते हैं कैंप में और वहां जाके सामान भी तो दिया था उन्होंने, वो सामान वापस करना है, देन फिर देखते हैं आज स्टे करते हैं अभी यहाँ पे या फिर सीधा नॉन स्टॉप कर दूं, नॉन स्टॉप क्या है भाई बताओ, कर दो यार, ये हो जाएगा कि उमिंगला से सीधा घाट है, उमिंगला तो सीधा घाट है नॉन स्टॉप भाई। मुझे ना गाड़ी में बैठे बैठे 15 घंटे हो चुके हैं और गाड़ी ने किलोमीटर कितने कवर कर लिए पता है आपको, 500 किलोमीटर से ऊपर, अब तुम लगा लो 600 किलोमीटर के आसपास होगा, वो भी पहाड़ों की ड्राइव है 600 किलोमीटर। अरे मन नहीं लगा था मेरे बिना, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और भैया तुम्हारी कसम आज पता तुम्हें मैं कैसे कैसे आया हूँ, 45 मिनट में ना मैंने दार चपरी से यहाँ लगा दी गाड़ी, इनको पूछ के देखिए कैसे आई है, नितिन से एक बार बैठा उसके बाद बैठा नहीं मेरे साथ, कुछ भी नहीं खाली पड़ा था, बारह लाख रुपए बढ़ गया था, शीशा बड़ा पड़ा था, त्रिलोकनाथ से आए थे हम, बढ़ा लो भाई आग बढ़ानी है भाई, इसमें इतने हाथ दिखिए, अरे ठंड हो रही है, अरे इसमें भूल गया मिलवाना है, इससे मिलिए अमन भाटी से, यू बहुत दूर था, पीछे पीछे आया था, आप जा रहे हो वापस भाई, हम 8 दिन से ऊपर हो गए, अरे जिस दिन आप निकले थे ना उस दिन मैं देहरादून से आया था, तेरी गलती है ना, अपनी गलती बैठ, सॉरी भाई, आओ थोड़ी इतनी ठंड कैसे लग रही है, अरे ठंड में पहली बार जिंदगी में पहली बार यहाँ कहीं नहीं चला लेंगे।